नमस्कार, मैं हूं सीमा संजय और आप देख रहे हैं मेरे साथ जिले का सबसे तेजी से बढ़ता वेब चैनल जांजगीर एक्सप्रेस 07। आज हम आपको लेके चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। समाचार देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। बुराई नदी का सीना छल्ली कर रहे हैं भटोरा चंद्रा सरपंच के पति देवर माफियों द्वारा ग्राम पंचायत। भटोरा रीवाडी बुराई नदी में रेत का अवैध कारोबार करने वाले चंद्रा माफियों द्वारा अब तक शासन प्रशासन को करोड़ों का चूना लगा चुके हैं, मगर फिर भी शासन मौन है। आपको बता दें, जब से ग्राम पंचायत भटोरा के वर्तमान सरपंच कुमारी बाई चंद्रा बना है, तब से ग्राम भटोरा में गुंडा माफियों का राज चल रहा है। इसका जीता जागता सबूत यह है कि ग्राम भटोरा से लगे बुराई नदी का रेत सरपंच पति सहित देवर अशोक चंद्रा, हुलेश चंद्रा, श्याम सुंदर चंद्रा, पिंटू चंद्रा द्वारा हर रोज सुबह से शाम तक बुराई नदी का रेत ट्रैक्टर से लोडिंग करके बेचा जाता है। आपको बता दें, यह लोग एक फर्जी समिति के माध्यम से हर एक ट्रैक्टर से 100-200 रुपए तक वसूलते हैं। खास बात यह है कि यहाँ के गरीब ग्रामीण लोग ट्रैक्टर की भराई करते हैं, इसी वजह से यहाँ की ग्रामीण जनता इसकी शिकायत तक नहीं कर रही है, जबकि इससे पहले भी इसके बारे में कई न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों में निकल चुका है, फिर भी अब तक शासन प्रशासन को कोई सुध नहीं है। ऐसा लगता है मानो अधिकारियों की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। पुल के ऊपर से लगभग 200 मीटर तक का और नीचे 400 मीटर तक का रेत को बेचकर खा चुके हैं इन माफियों द्वारा। इसके बारे में हमने सीईओ माल खरोदा से फोन से अवगत करवाया तो सीईओ साहब द्वारा मीटिंग के हवाले देकर फोन काट दिया गया। जांजगीर एक्सप्रेस 07 हसोस से रिपोर्टर भूपेंद्र लहरे की ये रिपोर्ट।